नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप खुशी से उछल जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। मैं इतना अच्छा औषधि प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास समय हो या फिर कॉपी पेन हो तो आराम से इत्मीनान से बैठ करके कॉपी पेन पकड़ करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो औषधियाँ वो तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीका को जानने के बाद आप जीवन भर कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं रहोगे। आपकी हर प्रकार की लगभग दर्द खत्म हो जाएगी और समस्या भी, चाहे वह दिल का हो, दिमाग का हो, अंदर का हो, चाहे बाहर का हो। तो दोस्तों, खुशी से बैठ जाइए कॉपी पेन पकड़ करके और इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और सेहतमंद दमदार औषधि प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और आपको बताते हैं यह अनमोल तरीका जिस तरीका को जानने के बाद बच्चे से लेकर बूढ़े तक के खुशी से झूम उठेगा और नाचने लगेगा। प्रयोग करने के बाद तो क्या ही बताऊँ, असर आप खुद देख करके हैरान रह जाओगे और हमेशा इसी का प्रयोग करते रहोगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले इसका प्रयोग कौन कौन सी समस्या में आप कर सकते हो उसे बता देता हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक दिव्य औषधि तेल बताने वाला हूँ, तेल बनाने का तरीका बताने वाला हूँ और उसमें क्या क्या सामग्री मिला करके कैसे बनाई जाती है उसे भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये तेल कौन कौन से आपकी जो व्याधि है, रोग है, समस्या है, उसका समाधान करता है उसे जान लीजिए। ये तेल जो आप अभी मैं बताऊंगा आपको, यह शरीर के हर एक अंग को पुष्ट और बलशाली बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, कमर, कंधा, घुटना, चाहे जितने भी ज्वाइंट पेंट्स के जो दर्द हैं उन्हें भी ठीक करता है। साथ ही साथ मर्दों की हर प्रकार की समस्या को भी दूर करता है, मर्दों की उन खास समस्या को भी जड़ से ख़त्म करता है जिनके लिए हर मर्द परेशान होता है। आज के ज़माने में नसों की कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करता है, नपुंसकता दूर करता है, शिथिलता दूर करता है, शीघ्रपतन दूर करता है, चेहरे में रौनक आता है, बच्चों की अच्छी हाइट कद बढ़ने लगती है और उनका हड्डियाँ बचपन से ही मजबूत होने लगता है। सिर्फ एक तेल का प्रयोग करने के बाद, इस तेल के प्रयोग करने के बाद जिसे आज अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो बस उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, सभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। इससे आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी जो मर्दों की ख्वाहिशें रहती है या औरतों की ख्वाहिश रहती है। अगर औरतें भी इस्तेमाल करेंगी तो उनका भी साइज आकर्षक हो जाएगा और पुरुषों की भी साइज डबल हो जाएगी। मतलब आप सब कुछ समझ सकते हो, कोई इतना अज्ञानी नहीं है दुनिया में। तो चलिए आगे की जो तरीका है उसको समझ लेते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक दिव्य औषधि तेल बताने वाला हूँ, तो इसको बना लीजिए आप घर पर और शुद्ध तरीके से बनाइए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दुष्प्रभाव वाली, दुष्परिणाम देने वाली कोई भी चीज़ ना मिलाई जा सके या फिर ना मिला हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, शुद्ध मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन वैसे शुद्ध ही होता है, सभी बर्तनों से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार के पास से या बाज़ार से कहीं से भी ला करके ले लीजिए शुद्ध मिट्टी का बर्तन, और उसमें आधा लीटर सरसों तेल डालिए चूल्हे में लगाने के बाद, आग जलाने के बाद, और आधा लीटर तिल का तेल डालिए। ये दोनों खरीद लीजिए। अभी क्या क्या खरीदना है सब कुछ आप लिखते रहिएगा। तो आधा लीटर शुद्ध सरसों का तेल, आधा लीटर शुद्ध तिल का तेल मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए, और उसमें आपको डालना है 150 ग्राम एलोवेरा का गूदा, यानी उसका छिलका उतार के अंदर का जो गूदा होता है एलोवेरा का, उस गूदे को आप निकाल लीजिए 150 ग्राम। लहसुन 150 ग्राम, मेथी 150 ग्राम, अदरक
100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, दालचीनी 100 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, तेजपत्ता 50 ग्राम और पिपरमेंट 50 ग्राम, कपूर 50 ग्राम। अब इन सब को एक साथ मिला करके, मतलब दोनों तेलों को कढ़ाई में डाल के, तेल को छोड़ के, इन सभी औषधियों को, सामग्रियों को एक साथ मिला करके मिक्सी में या सिलबट्टे में अच्छे से उसको पीस करके चटनी बना लीजिए। जब उसका पेस्ट तैयार हो जाए तो उस पेस्ट को इन दोनों तेलों में, सरसों तेल और तिल तेल, इन दोनों तेलों में अच्छे से उबाल के पकाना है, अच्छी तरह से पकाना है और इतने देर तक पकाना है कि पूरी तरह से जल करके काला हो जाए, जल करके राख खाक हो जाए और उनमें से फिर तेल में से निकाल के छान करके तेल को ठंडा करके शीशी में भर करके रख लेना है। बस आपका दिव्य औषधि तेल तैयार हो गया। अब इस तेल को किस किस को, कैसे कैसे, कितना कितना लगाना है उसको ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फायदा नहीं पहुंचाता। अगर छोटे बच्चे को आप इस्तेमाल करवाना चाहते हो तो नहाने के बाद, छोटे बच्चों को तुरंत नहाने के बाद उसे इस तेल की मालिश करवाइए, धूप में खड़े करवा के पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे। इससे उनका हड्डियां मजबूत होगा, शरीर सबल और सुदृढ़ और विकास होगा सभी तरीका से और उनकी कद काठी लंबाई अच्छे से बचपन से ही हष्ट पुष्ट बनने योग्य हो जाएगा। इससे प्राकृतिक शक्ति में बढ़ोतरी मिलती है और विटामिन डी की चलते उनका हड्डियां बचपन से ही सुदृढ़ और मजबूत होने लगता है। अगर इसे कोई माता या बहनें इस्तेमाल करना चाहती हैं अपने वक्षस्थल यानी सीने की उभार के लिए, जो ब्रेस्ट का साइज होता है उसको बढ़ाने के लिए, तो उसमें आप रोज़ाना नहाने के बाद और सोने के पहले मालिश करना चाहिए, जिससे उनकी ब्रेस्ट में उभार अच्छे से होता है और उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक सप्ताह में आपको फर्क नज़र आ जाएगा और नेचुरली तरीके से कठोर और मजबूत रहता है कुंवारी कन्या की तरह। अगर इसी तेल को कोई पुरुष इस्तेमाल करना चाहे अपनी प्राइवेट अंग के लिए, नसों की शिथिलता, ढीलापन या कमजोरी, नपुंसकता, शीघ्र पतन के लिए, जो जल्दी थक जाता हो, ज़्यादा देर तक काम न कर पाता हो, तो ऐसे पुरुषों के लिए यह एक संजीवनी तेल है मान के चलो। तो उसे भी अपने जो प्राइवेट पार्ट है, गुप्त अंग है, उसमें नहाने के बाद या सोने से पहले दिन में 2 टाइम अच्छे से मालिश करनी चाहिए। 5 मिनट मालिश, मतलब दबा के नहीं, हल्के हल्के से ऊपर में लगानी है और उसके बाद पान के पत्ते या फिर एरंड के पत्ते, इन दोनों में से कोई सा भी पत्ता बांध करके रात भर सो जाएं अपने लिंग पर। इससे उनकी हर एक नसों की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और उनको एक नया ताकत, तनाव और उत्तेजना से भरपूर हथियार मिल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं बुढ़ापे की ओर। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या फिर 50-60 जिनकी उम्र होने लगती है, उनको अक्सर जोड़ों में, कंधों में, कमर में, घुटना में, जहां भी देखो शरीर में, अंग अंग में दर्द से भर जाता है उनका शरीर और पूरा जीवन निराशा और दुखी में गुजरने लगता है। तो उनकी तमाम तरह की जोड़ों की दर्द समस्या को दूर करने के लिए आप अकेला इस तेल से छुटकारा पा सकते हैं और उनको, जो आपके घर में दादा परदादा हैं, इसके बारे में बता करके एक बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हो, उनका आशीर्वाद पा सकते हो। इस तेल को बना करके अगर उन्हें दे देते हो या फिर मालिश करके लगा देते हो उनके बदन पे, तो इतना चमत्कार होगा कि वे भी आपको गर्व से अपना कह सकेंगे, मतलब उनके सारे दर्द छूमंतर हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
मने हर प्रकार के दर्द को पूरी तरह से ठीक करता है और बहुत जल्द 10 मिनट के अंदर आपका पूरा दर्द खत्म कर देता है। यह एक शरीर में करंट के जैसा दौड़ जाता है, अंग अंग में रक्त संचार तेज कर देता है जिससे दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अंगों की अकड़न जकड़न सारी समस्या बुढ़ापे की खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आप निसंकोच बिल्कुल निर्भयता से इस औषधि को घर पर तैयार कर लीजिए और सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल कर लीजिए। आपको जीवन भर निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। और अगर कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि की औषधि प्रयोग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।